हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वंडर मैन परमाणु और नारी शक्ति की प्रतीक देवी शक्ति की ये धमाकेदार कॉमिक्स। फिर आया इतिहास। चलिए शुरू करते हैं इस कॉमिक्स का दूसरा भाग। असली गड्ढा तो यह है जिसमें हमारा सपना दफन था और हम उसे बाहर निकालने में सफल हो गए हैं। मिल सकती हमारे सपने से, जिसका नाम है अंकुशा। मैंने इसे जिंदा किया है। अंकुशा अब तुझ पर अंकुश लगाएगी। इस अंकुशा के बल पर तुम दोनों ने अपने दिलों में बहुत अरमान पाल रखे हैं। अभी अंकुशा के साथ ही तुम दोनों के सभी अरमान ठंडे किए देती हूँ। और ऐसा करने के लिए मुझे सबसे पहले अंकुशा के हाथ से उसका यह अंकुश छीनना होगा। उफ, अंकुशा के अंकुश पर हाथ लगाते ही शक्ति को पता चल गया कि अंकुशा को छूकर उसने भारी गलती की थी। उफ, एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे सारे संसार की बिजली मेरे शरीर में आ समाई है। अंकुशा के अंकुश को छूना अपने नाश को दावत देना है, इसलिए उसे अपनी उष्मा से दूर से ही खत्म कर देती हूँ। ओह, मेरी उष्मा भी उसके अंकुश का कुछ नहीं बिगाड़ पा रही। हो, ये मेरी उष्मा को क्या हो रहा है? उफ, यह क्या? हा, अंकुशा ने तेरी उष्मा पर अंकुश लगाकर उसे शैतानी रूप दे दिया है। सीधे शब्दों में कहे कि तेरी शक्ति तेरी ही दुश्मन बन गई है तो अतिशयोक्ति ना होगी। अभी मैं इस दुश्मन शक्ति को खंड खंड किए देती हूँ। ओ, अच्छा हुआ तूने अपनी खड़ग उछाल दी। तेरे ऊर्जा से बने शैतान को ऐसे किसी हथियार की आवश्यकता भी थी। ओ नहीं, अंकुशा ने मेरी खड़ग पर भी अंकुश लगाकर उसे मेरी ऊर्जा से बने शैतान के हाथों में थमा दिया है और अब वह उससे मुझ पर ही प्रहार कर रही है। चमत्कारी खड़ग का उसके हाथों में रहना ठीक नहीं। खड़ग को उसके हाथों से छुड़ाना होगा और यह काम सिर्फ मेरा यह शक्ति मुंड कर सकता है। लेकिन शक्ति मुंड को हाथों से छोड़ने के बाद मुझे इस बात का ख्याल रखना है कि अंकुशा शक्ति मुंड पर अंकुश ना लगा पाए। और उसके लिए मुझे एक बार फिर खुद को तेज झटके खाने के लिए तैयार करना होगा। उफ, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर शक्ति अंकुशा के अंकुश से जा लिपटी। जबकि इधर शक्ति मुंड, हो शक्ति का शक्ति मुंड शक्ति की ऊर्जा से निर्मित शैतान के वारों से बचकर उसे निगल जाने को व्यस्त है। जबकि शक्ति अंकुशा के अंकुश लगा देने वाली किरणों से नहाई हुई है। मेरे पास यही समय है कि मैं अपने इस तांत्रिक मुखौटे को निकालूं और उसे शक्ति के मुख पर लगाकर उसे बना लूं अपनी भैरवी। ये तुमने क्या किया भैरव? कुछ देर प्रतीक्षा करो, अभी पता चल जाएगा। जो पता चलना था वह जल्दी ही सामने आया। मैं आपकी भैरवी हूँ, मेरे लिए क्या आदेश है स्वामी? स्वामी, हा, शक्ति मेरी भैरवी बन गई। अंकुशा की मदद से मैंने ऐसा कार्य कर डाला जो अब सारी दुनिया को मेरी उंगलियों पर नाचने के लिए विवश कर देगा। हा, ठीक ऐसा ही मुझे परमाणु के साथ करना है। अंकुशा की मदद से मुझे परमाणु को भी अपना गुलाम बनाना है। अंकुशा और शक्ति हमारे वश में है। इतिहास, परमाणु को गुलाम बनाने का काम तो हम कभी भी चुटकियों में कर सकते हैं। फिलहाल तो हमें अपनी गुलाम उन दो शक्तियों के बल पर सारी दुनिया को अपने कदमों में झुकाने की तैयारी करनी है। और इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए इंद्रप्रस्थ का वह अकूत खजाना जिसके बारे में अंकुशा बहुत अच्छी तरह से जानती है। आओ, भैरव ठीक कह रहा है, हमें सबसे पहले दौलत को ही हथियाना चाहिए। लेकिन क्या मेरा गुलाम बनने के लिए परमाणु जिंदा बचा होगा? इधर परमाणु, हो कल रात इतिहास ने पुराने किले में क्या किया इसकी रिपोर्ट अखबार में छपी है। शक्ति उसे रोकने आई ये भी छपा है। लेकिन सारा मामला क्या था इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन मैं समझ सकता हूं कि अगर इतिहास इतनी जल्दी सक्रिय हो उठा है तो कोई ना कोई बड़ी बात जरूर है।
इसलिए अच्छा यही होगा कि मैं अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अस्पताल का यह बिस्तर छोड़ दूं और इतिहास की वजह से आने वाले संकट से निपटने के लिए परमाणु बनकर आकाश में राउंड पर निकलूं। इधर इतिहास और भैरव, अंकुशा के बताए अनुसार यही वो जगह है जहाँ की जमीन में दफन है इंद्रप्रस्थ का अकूत खजाना, और उस खजाने को जमीन से बाहर निकालने के लिए मुझे सैकड़ों ऐतिहासिक खनिकों को जिंदा करना होगा। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भैरवी शक्ति अकेली इस काम को चुटकियों में कर देगी। भैरवी बनी शक्ति का भैरव, भैरवी बनी शक्ति को भैरव का आदेश मिलने भर की देर थी। तुरंत ही सक्रिय हो उठी शक्ति, ये शक्ति क्या कर रही है? देखते रहो, जो भी होगा हमारे भले के लिए ही होगा। ओह वाओ, अद्भुत तो सामने का दृश्य है। शक्ति की उष्मा ने धरती की मिट्टी में मिले लोहकणों को अनोखे रूप से अलग करना शुरू कर दिया था। पड़ोस मिट्टी के कणों से लोहकणों के अलग होने का सिलसिला जब थमा तो सामने था इंद्रप्रस्थ का खजाना। हमने इंद्रप्रस्थ का अकूत खजाना पा लिया। याहू, आह, यह खजाना तेरी नहीं, भारत सरकार की अमानत है इतिहास। तेरी किस्मत में तो सिर्फ जेल ही लिखी है। परमाणु आ गया, आह, आने दो, बचकर नहीं जाएगा, शक्ति उसे जाने नहीं देगी। आह शक्ति, तुम ये तुम क्या कर रही हो शक्ति? हा हा हा, शक्ति अब तेरी आवाज को सुन लेने वाली शक्ति नहीं रही, अब भैरव की भैरवी बन चुकी है, मेरे दुश्मनों की दुश्मन। हा हा हा, उफ, शक्ति तो अब सचमुच भैरव नामक इन शैतान के इशारों पर नाच रही है, और यह ना इंसानियत के लिए ठीक है और ना मेरे लिए। शक्ति ये बहुत उछल कूद कर रहा है, खोल अपने तीसरे नेत्र को और भस्म कर डाल इसे। हो तुरंत ही शक्ति के चेहरे पर क्रोध का तूफान तांडव करने लगा। उफ, शक्ति के हाव भाव बता रहे हैं कि वह अपने तीसरे नेत्र को खोलकर मुझे भस्म करने जा रही है। शक्ति की इस प्रलयंकारी दैव्य शक्ति से बच पाना नामुमकिन है। एक मिनट, शायद शक्ति मुझे भस्म ना कर पाए, क्योंकि मैं साफ देख रहा हूँ कि शक्ति अपनी लाख कोशिशों के बाद भी अपना तीसरा नेत्र नहीं खोल पा रही है, क्योंकि भगवान शिव की तीसरे नेत्र की शक्ति भैरव के अधिकार में नहीं हो पाई है। ये दुष्टों के संहार और मानवता की रक्षा के लिए ही खुलता है। रही शक्ति की इन शक्तियों की बात, तो मेरे लिए इनसे बचना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन इस बचाव के साथ साथ ही मुझे यह भी सोचना होगा कि मैं शक्ति को कैसे इनके चंगुल से निकालकर इन्हें ठिकाने लगाऊंगा। अगर परमाणु और उसकी मौत के बीच उसकी उछल कूद और पावर सी अड़चन है, तो अभी यह अड़चन खत्म हुई जाती है। ओ, ये क्या हुआ? मैं तो प्रकटे पक्षी की तरह नीचे आ गिरा। मुझे तुरंत ही दोबारा उड़ान भरनी होगी। ओह नो, अब ना तो मैं दोबारा उड़ान भर सकता हूँ और ना अपनी किसी और पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्योंकि ना तो मैं अपना शरीर हिला पा रहा हूँ और ना अपने हाथों को अपनी बेल्ट तक पहुँचा पा रहा हूँ। लेकिन उस स्थिति से बचने का एक रास्ता अभी भी मेरे पास सुरक्षित है। ये भी मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी आवाज़ मेरे गले में ही घुट कर रह गई है। उफ, ये मुझे क्या हुआ? हा हा हा, तेरी हालत बता रही है परमाणु कि तू सोच रहा है कि तू एकाएक जिंदा पत्थर में कैसे बदल गया। मैं बताता हूँ तुझे, अंकुशा ने तेरे शरीर, तेरी उड़ान, तेरी आवाज सभी पर अंकुश लगा दिया है। अब तू कुछ नहीं कर सकता, अब बस तू शक्ति के वारों से पिटेगा। आह, भैरव के इशारे पर शक्ति ने मुझ पर अपने हथियारों की बारिश शुरू कर दी है, और मेरी मजबूरी है कि मैं शक्ति के इन हथियारों से बचने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंकुशा की किरणों ने मुझ पर जो अंकुश लगाया है उसकी वजह से मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ, और मेरे शरीर पर लगे इस अंकुश के कारण ही प्रोबोट से मेरा संपर्क टूट गया लगता है। वरना मैं इसकी रेंज में हूँ, मुझे बचाने के लिए
वह जरूर कुछ करता तो क्या शक्ति की मदद से इतिहास और भैरव मुझे मार डालने में सफल हो जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे बचना होगा। हो उफ, अपनी पूरी शक्ति लगाकर मैं अपने शरीर को थोड़ा हिला जरूर पाया हूँ, लेकिन इससे क्या होगा, इस तरह मैं शक्ति के हथियारों से बचा थोड़े न रहूँगा। एक मिनट, शायद इससे एक काम हो सकता है, अगर मैं एक बार फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर अपने शरीर को हिलाऊं और शक्ति के हथियारों के सामने इस एंगल में कर दूं कि शक्ति के द्वारा फेंका गया कोई ना कोई हथियार मेरी बेल्ट के उस स्विच से आ टकराए जो मुझे कर देता है ट्रांसमिट। हो, परमाणु अपनी चालाकी से ट्रांसमिट होकर बचना चाहता है शक्ति, वार कर उस पर, तेरे ताप से बचना नहीं चाहिए। वह रिफॉर्म होते परमाणु को शक्ति के प्रचंड ताप ने घेर लिया। उफ, शक्ति का भीषण ताप मेरे शरीर के कणों को तेजी से गर्म कर रहा है और मेरे शरीर के कण जुड़कर रिफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और अगर मैं रिफॉर्म नहीं हुआ तो मेरे शरीर के कणों को शक्ति कुछ ही पलों में अपने ताप से भस्म कर डालेगी और बचाव के लिए कुछ हो नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसी दशा में मैं कुछ भी नहीं कर सकता। परमाणु अब अपने बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकता था, और इस बात को परमाणु के निर्माता का प्रतिरूप अच्छी तरह समझ गया था। परमाणु का अस्तित्व खतरे में है, मुझे उसे बचाना है और उसके लिए उसे वापस लैब में बुलाना होगा। ओ, परमाणु के शरीर के कण एकाएक गायब होने लगे। यह सब एकाएक नहीं हो रहा, मेरी भैरवी की शक्ति से हो रहा है, उसकी उष्मा ने परमाणु को भस्म कर डाला है। चलो अब हम तुरंत ही यहाँ से खजाना लेकर खिसक लेते हैं, आओ। इंद्रप्रस्थ के इस अकूत खजाने को हम नहीं, सिर्फ मैं लेकर जाऊंगा, भैरव अपने ऐतिहासिक शाही लुटेरों की मदद से। इतिहास, तू धोखा कर रहा है मुझसे, इतने बड़े खजाने के लिए तो मैं अपने भगवान को भी धोखा दे दूं तो फिर तू तो चीज ही क्या है। मेरी भैरवी शक्ति के रहते तू मुझे धोखा दे देगा, ऐसा तूने सोच कैसे लिया? हो, वैसे अपनी जात दिखाकर तूने मुझे बता दिया है कि इस खजाने का सचमुच एक ही मालिक होना चाहिए और वह मालिक सिर्फ मैं होऊंगा, और मेरी भैरवी मुझे इसका मालिक बनाएगी। तू और तेरी भैरवी दोनों ही यह भूल गए हैं भैरव कि किसी पर भी अंकुश लगा देने वाली ताकत अंकुशा अभी भी मेरे पास है। हो, अंकुशा की इस अंकुश रेखा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल है भैरव। तुम और शक्ति ना इसमें से पैरों पर चलकर निकल सकते हो और ना हवा में उड़कर। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही, ये रोमांचक कॉमिक जारी है, अगले भाग में भी मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले और अंतिम भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।